हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जब भी आप अपने कीबोर्ड के एसयू सीटी के 2550 को ऑन करते होंगे, तो ऑन करते कीबोर्ड पे देखिए यहाँ पर एक और कीबोर्ड दिखता है ना। डिस्प्ले पे देखिए यहाँ पे एक कीबोर्ड दिख रहा है ना साफ साफ। जब भी हम अपने कीबोर्ड की कोई भी कीज दबाते हैं ना, तो यहाँ पर स्क्रीन पे ये जो दोनों लाइन्स दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ हमको हरकत नजर आती है, यानी यहाँ पर कुछ लिख के आता है, लेकिन इस कीबोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर यहाँ से कोई बटन दबाऊँ, तो आप स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा डिस्प्ले पे क्या चेंज आपको दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रही है, लेकिन इस कीबोर्ड में ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, इसमें कोई भी चेंज या कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रही ना। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो कीबोर्ड हमको दिया गया रहता है, इसका इस डिस्प्ले पे क्या मतलब है। अगर यहाँ पर कीबोर्ड का सिंबल बना हुआ है, तो हम इन कीज को जब दबाते हैं तो इसमें से कुछ ब्लिंकिंग होनी चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए कि कौन सी की प्रेस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कीबोर्ड जो है ना, ये तब काम करता है जब हम लोग अपने कीबोर्ड में कॉर्ड्स यूज करते हैं। जैसे ये वाली बटन जो है, किसलिए बटन होती है हमारे कीबोर्ड में, कॉर्ड्स बजाने के लिए। जब भी इस बटन को दबा देंगे, तो लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर वाली बटन्स होती हैं इस साइड के, वो सारी कॉर्ड्स बजाने लगती हैं, यानी वो नॉर्मल कीबोर्ड नहीं रह जाती, तब वो एज अ एकॉम्पैनीमेंट कीबोर्ड की तरह काम करती है और उनका आवाज बदल जाता है नॉर्मल टोन से ना। और ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, इस पे ब्लिंकिंग या इस पे नोटेशन तभी शो होता है जब हम अपने कॉर्ड्स को ऑन करते हैं, यानी जब ये वाली बटन दबाएंगे तभी यहाँ पर कुछ दिखेगा। तो ये जो कीबोर्ड दिखता है इसीलिए होता है, यानी जो हम लोग अलग अलग कॉर्ड्स बजाते हैं उसका पूरा डिटेल हमको यहाँ पता चलता है। जैसे मैं अभी आपको बता के दिखाने वाला हूँ, जैसे मैं एक बार ये वाली बटन दबा दूँ, तो ये वाली बटन दबाते ही देखिए यहाँ पर क्या लिख किया गया, ए डबल सी, यानी एकॉम्पैनीमेंट या एकॉम्प फंक्शन अपने कीबोर्ड में ऑन हो गया। ठीक, अब मैं अगर लेफ्ट साइड से कोई भी बटन दबाऊँ, तो यहाँ पर देखिएगा कीबोर्ड में कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा, जब मैं लेफ्ट कॉर्नर की कोई भी बटन दबा रहा हूँ, तो ये जो कीबोर्ड है इसमें नोटेशन दिख रहा है साफ साफ। जैसे एकदम कॉर्नर की सबसे पहली वाली बटन जो होती है सी, उसको अगर मैं दबाता हूँ, तो स्क्रीन पे देखिए सी लिख के आएगा ना। जैसे कॉर्नर वाली बटन आपको दिख नहीं रही होगी, मैं उसको प्रेस करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा सी लिखा हुआ आपको दिखेगा। अब जैसे ए वाली एफ की बटन है ना, अगर इसको मैं दबाऊँ, तो देखिए स्क्रीन पे एफ लिख के आएगा। तो जब भी आप अपने कीबोर्ड में कॉर्ड्स बजाएंगे, तो आपको कॉर्ड्स का सारा नोटेशन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा ना। अगर सिंगल कॉर्ड्स बजाएंगे तो सिंगल कॉर्ड्स का नाम दिखेगा, अगर मल्टीपल कॉर्ड्स बजाएंगे, यानी एक बार में एक से ज्यादा बटन एक साथ दबाएंगे, तब भी उसका नोटेशन यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं अगर एक बार में एक से ज्यादा की दबाऊँ, तो आप देखिएगा क्या दिखता है। तो अगर आपको कॉर्ड्स के नाम सारे पता होंगे, तो आप यहाँ से देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉर्ड बज रहा है इस कीबोर्ड में। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि अपने डिस्प्ले पे जो एक कीबोर्ड वाला सिंबल दिखता है, एक कब काम करता है, जब हम लोग अपने कीबोर्ड में एकॉम्प या एकॉम्पैनीमेंट कीबोर्ड ये वाली बटन दबा के ऑन करते हैं, तब इस कीबोर्ड में हमको कॉर्ड्स का नोटेशन पता चलता है। अगर इस बटन को नहीं दबाएंगे, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी सिंबल या कोई भी नोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो।